1869 में आज ही दिन अमेरिकी खोजकर्ता थॉमस एडिसन ने अपने पहले आविष्कार पर एक पेटेंट के लिए आवेदन किया। इस इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल वोटों की गिनती के लिए किया गया था। 1881 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक डेविड हेंडरसन हॉस्टर ने कैमरों के पहले रोल फिल्म का पेटेंट कराया था। 1902 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण को 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को सन 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1932 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में राजनीतिक अभियान के लिए पहला प्रसारण किया गया। 1939 में आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अल्बर्ट आइंस्टीन को पत्र लिखकर अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को तेजी से विकसित करने का आग्रह किया था। आज के दिन 1942 में हिंदी फिल्म जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। अमिताभ बच्चन ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टीवी प्रस्तोता की भूमिका की है। 1984 से 1987 तक वे लोकसभा सांसद भी रहे। अमिताभ बच्चन टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट की भूमिका निभाते हैं। अमिताभ बच्चन को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1968 में आज के दिन अमेरिका का पहला मानव युक्त मिशन अपोलो 7 के प्रक्षेपण का कक्षा से पहली बार टेलीविजन प्रसारण किया गया। 1984 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैथरीन डी सुलिवन अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह अंतरिक्ष शटल चैलेंजर में सवार थीं। 1994 में आज के दिन अमेरिका में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में समलैंगिक विरोधी अधिकारों को असंवैधानिक घोषित कर दिया।